कर्नाटक। 2018 के बाद से कर्नाटक में हिंसा के विभिन्न मामलों में शामिल लोगों की संख्या में 6 गुना वृद्धि देखी गई है। गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 10,346 लोग हिंसक मामलों में शामिल थे, 2018 में ये संख्या 1,666 थी। विट्ठल पुलिस ने बस में यात्रा के दौरान एक छात्र से दूसरे छात्र से बात करने पर मारपीट करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपनी शिकायत में वीरकंबा के मंगलापदावु के मोहम्मद शाकिर ने केलिजा के चंद्रशेखर, प्रज्वल, रोहित और 3 अन्य पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। शाकिर बेंगलुरु के एक कॉलेज में पढ़ता है। घटना उस समय हुई जब वो गुरुवार को कॉलेज के बाद घर लौट रहा था। हैदराबाद। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारियां आवंटित की हैं। AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कई लोकसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों के रूप में राज्य के कई नेताओं को नामित किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह फरवरी के दूसरे सप्ताह में जनसमर्थक बजट पेश करेंगे। आज दावणगेरे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रांति त्योहार के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद बजट की मात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हालांकि कर्नाटक में कपास की खेती का क्षेत्र अधिक है, लेकिन कपड़ा गतिविधियां कम है, इसलिए राज्य में 24 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक अन्य राज्यों और देशों को कपड़ा सामग्री का निर्यातक है। त्रिशंकु जनादेश की संभावना को खारिज करते हुए JDS नेता HD कुमारस्वामी ने आज विश्वास जताया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में अपने पारंपरिक पुराने मैसूरू क्षेत्र से आगे बढ़ेगी और कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया कि उनके पक्ष में एक मजबूत अंतर्धारा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और लोग कह रहे हैं इस बार ये कुमारन्ना है, जैसा कि कुमारस्वामी उनके समर्थकों के बीच लोकप्रिय हैं। कर्नाटक। लिंगायत उपसंप्रदाय के लिए 2A श्रेणी की मांग को लेकर पंचमसाली समुदाय के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को व्यस्त राजमार्ग पर 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। कुदाल संगम पंचमसाली पीठ के संत बसवजय मृत्युंजय के नेतृत्व में पंचमसाली समुदाय के आंदोलनकारी सदस्यों ने कित्तूर रानी चेन्नम्मा सकल में धरना दिया। उन्होंने कस्बे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास की घेराबंदी करने की अपनी योजना को टाल दिया और राजमार्ग को अवरुद्ध करने का विकल्प चुना। कर्नाटक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक की अपनी 3 दिवसीय यात्रा रद्द कर दी है, जिसमें 15 जनवरी को चिकबलापुरा में ईशा फाउंडेशन द्वारा आदियोगी की 112 फुट की मूर्ति का अनावरण शामिल है। धनखड़ को 14 जनवरी को आना था और 16 जनवरी को रवाना होना था। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार धनखड़ का दौरा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक। यथास्थिति 15 जनवरी को ईशा योग केंद्र के कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करेगी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया। याचिकाकर्ता एस क्याथप्पा और 3 अन्य जो स्थानीय कृषक हैं, ने ईशा योग केंद्र को दी गई भूमि को कथित रूप से राजस्व, वन, वायु और जल से संबंधित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हुए चुनौती दी थी।